हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ट्रेन ट्रैक्स बनाने जा रहे हैं। तो मात्र 3 इजी स्टेप को फॉलो करके आप स्ट्रेट ट्रैक्स और कर्व ट्रैक दोनों को बना सकते हैं। तो साधारण शब्दों का प्रयोग करके आज के वीडियो में यही सीख लेते हैं कि ट्रेन ट्रैक्स को बनाते कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा दीजिए और चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मिलीमीटर थिकनेस वाला बड़ा सा माउंट बोर्ड पीस लिया है, जिसको मैंने अभी अभी दुकान से परचेस किया है। तो चाहे तो यह आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप या फिर बुक स्टोर में 10 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो रेल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उसी कार्डबोर्ड के ऐसे 2 लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं, जिसको मैंने 3 मिलीमीटर की मोटाई और 23 सेंटीमीटर की लंबाई में काटा है। तो कुल 2 पीसेस काट लेने हैं। अब स्लीपर बनाने के लिए मैं उसी पुराने कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मेजरमेंट दिखा रहा हूँ, कृपया करके उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो नीचे से मैं स्केल को रख के 2.7 सेंटीमीटर मार्क कर ले रहा हूँ दोनों साइड में। मार्क कर लेने के बाद एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद स्केल को दूसरे साइड में रख के 7 मिलीमीटर मार्क कर लेना है, जो हमारे स्लीपर्स का विड्थ बनेगा। तो एक लाइन खींच देना है और दूसरा भी 7 मिलीमीटर मार्क कर लेने के बाद एक और लाइन खींच देना है। तो टोटल मैं यहाँ पर 10 स्लीपर्स बना ले रहा हूँ बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ। तो आप लोगों को जितने स्लीपर्स रिक्वायर है बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ उतने स्लीपर्स बना लीजिएगा। तो मार्किंग करने के बाद अभी मैं स्लीपर्स के बीचों बीच 18 मिलीमीटर मार्क कर लूँगा, जो है 1.8 सेंटीमीटर ये भी कह सकते हैं। तो बीचों बीच दोनों साइड में 18 मिलीमीटर मार्क कर लूँगा, जो हमारे ट्रैक का गेज है। तो दोनों साइड में मैंने स्केल की मदद से पॉइंट मार्क कर लिए हैं। इसके बाद एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्लीपर्स के मेजरमेंट मार्क कर लेने के बाद मैं इस स्लीपर के पूरे परिवार को कैंची की मदद से एक एक पीसेस में काट दूंगा। आज के वीडियो का क्रेडिट है ना आप लोगों को जाता है, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ही तो मुझे ठोक ठोक के याद दिलाया कि भाई ट्रैक्स का वीडियो बनाओ, ट्रैक वीडियो बनाओ। तो दरअसल हुआ ये कि मैं ट्रेन का वीडियो बनाते बनाते इतना खो गया था कि मुझे ट्रैक के वीडियो का कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहा। इसी कारण से मैं तुम लोग को थैंक यू वेरी वेरी मच बोलेगा, क्योंकि तुम लोगों के वजह से ही आज का वीडियो पॉसिबल हुआ। थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने इन सारे स्लीपर्स को काट दिया है, देखने में काफ़ी बढ़िया और फ्रेश लग रहे। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह का एक कार्डबोर्ड पीस काटा है, जिसको मैं रेड मार्कर पेन से कुछ इस तरह से हाईलाइट या फिर मार्किंग कर लूँगा। तो ये दरअसल हमारे स्लीपर्स के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। तो चलो स्लीपर्स को हम जॉइंट कर लेते हैं रेल के साथ। तो मैं 18 मिलीमीटर वाले पॉइंट में थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दूँगा दोनों साइड में। उसके बाद जो रेल की पटरियाँ काटे थे उसको इन स्लीपर्स के ऊपर बिठा दूँगा। इन रेल को स्लीपर्स के ऊपर बिठाने के वक्त हम लोग को बीच में 18 मिलीमीटर का डिस्टेंस एकदम मेंटेन करके रखना है, ताकि इसका गेज बराबर रहे। तो मैं उस वाले कार्डबोर्ड के पीस को कुछ यहाँ पर रखूँगा। इसके बाद मैं दूसरे स्लीपर्स के ऊपर ग्लू लगा के इसके ऊपर लगा दूँगा। तो दरअसल वो वाला कार्डबोर्ड का काम यह है कि दो स्लीपर्स के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो ऐसे हर स्लीपर्स के बीच में इसको रखेंगे तो हर स्लीपर का पोजीशन एकदम बराबर और इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसी प्रोसेस को सेम फॉलो करते करते एक लंबा सा स्ट्रेट ट्रैक बना लेना है। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। तो हम अभी ट्रैक के एंड में आ गए हैं। तो चलिए लास्ट स्लीपर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारा आखिरी स्लीपर गया रेल के अंदर और इसको अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करके चिपका देते हैं। इसके बाद जो कार्डबोर्ड है रेड वाला उसको फटाक से निकाल देते हैं। तो ये ट्रैक बनाना तो इजी है, पर आपको इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा एक ट्रैक को अच्छे से बनाने के लिए। तो देखो एक ही स्लीपर को बिछाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो बाकियों का क्या हाल होगा ये आप ही सोच लीजिए। तो अभी जो आउटर वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं कटर की मदद से कुछ इस तरह से काट दूँगा वर्टिकली स्ट्रेटली। तो चलिए यहाँ पर हमारा स्ट्रेट ट्रैक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी दोनों ट्रैक को जॉइन करने के लिए आपको ना ही वेल्डिंग मशीन लगेगा ना ही कोई नट बोल्ट। तो चाहिए रहेगा कुछ इस तरह का एक कार्डबोर्ड पीस। इसके बीचों बीच हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इसके सेंटर वाले एरिया में। उसके बाद वहाँ पर स्केल को रख के मैं 7 मिलीमीटर मार्क कर लूँगा।
उसके बाद एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरे साइड में भी 7 मिलीमीटर मार्क कर लेना है। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में 7 मिलीमीटर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने 7 मिलीमीटर मार्किंग कर लिया है। अभी जो दोनों साइड का निकला हुआ पोर्शन है उसके ऊपर मैं ग्लू लगा दूंगा। अच्छे से ग्लू लगाना है बिना किसी कंजूसी के। उसके बाद इस तरह का एक दूसरा माउंट बोर्ड का पीस लिया, अभी इसके इस जगह में मैंने इसको लगा दिया है। तो दोनों साइड में आप लोगों को कुछ इस तरह का लगा देना है और इसको बस दोनों ट्रैक के बीचों बीच लगा देंगे तो उसी से हमारा दोनों ट्रैक पूरा अटका रहेगा, तो जॉइंट रहेगा। तो यही है हमारे ट्रैक का कनेक्शन, काफ़ी सिंपल है, इजी है, साधारण भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा। तो इसको एक परिचय देने के लिए मैं इसके ऊपर ट्रैक जॉइंट लिख के देता हूँ, क्योंकि इसका भी तो एक स्टेटस होना चाहिए भाई। तो चलो इसको मैं ट्रैक के साथ अभी जॉइंट करके दिखाता हूँ। ये वाला एक नया ट्रैक, दूसरा वाला काफ़ी बदसूरत है पर पुराना ट्रैक है। तो दोनों को कुछ इस तरह से रखना है और ट्रैक जॉइंट को इसके बीच में अटका देना है। ये तभी अच्छे से अटकेगा जब आप इसको बराबर मेजरमेंट के साथ अच्छे से बनाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं एक व्हील चला के दिखा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से देखिए कितने बढ़िया और आराम से व्हील इसके ऊपर चल रहा है। तो इसके बाद आप लोगों को कार्डबोर्ड का कुछ इस तरह का पीस काट लेना है। तो चलिए कर्व ट्रैक अभी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने दो कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स काटे हैं जिसका लेंथ है 23 सेंटीमीटर और विथ है 3 मिलीमीटर, और स्लीपर को भी सेम मेजरमेंट के साथ काट लिए थे। तो कर्व ट्रैक को मैंने हाफ पहले ही बना लिया था, तो अभी बाकी का हिस्सा मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ये मैंने माउंट बोर्ड का पीस इसके बीच में डाला, इसके बाद स्लीपर को इसके अंदर जॉइंट कर दिया। तो इस कर्व ट्रैक को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं लगेगी, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, खाली वो बीच का रेड वाला कार्डबोर्ड आप लोगों को बराबर मेजरमेंट के साथ ही बना लेना है। फिर उसके बाद तो देखना आपका कर्व ट्रैक अपने आप बन जाएगा। तो वीडियो के ये वाले पार्ट को देख के आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं कर्व ट्रैक को बना के दिखा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से मैंने कर्व ट्रैक को बनाना स्टार्ट किया था। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते करते आपको कर्व ट्रैक बनाना स्टार्ट भी करना है और उसी तरह से कर्व ट्रैक बनाना एंड भी करना है। तो आप लोग एक ग्लास ठंडा पानी पी जाओ और वीडियो को चिल करते करते एंजॉय करो, बाकी का काम मैं ही समझा दूंगा। तो मैंने इन कर्व ट्रैक का आखिरी स्लीपर बिछा दिया, इसके बाद जो ट्रैक का निकला हुआ एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं कटर की मदद से काट दूंगा। तो इसके बाद हम लोग को ट्रैक के हर एंड साइड में थोड़ा थोड़ा फेविक्विक का ड्रॉप लगा देना है, पर ये बात ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने कर्व ट्रैक को एक बना लिया है, अभी दूसरे कर्व ट्रैक को ले लूँगा और इन दोनों को भी बिल्कुल वही सेम ट्रैक जॉइंट के साथ लगा दूंगा। तो आज के वीडियो में खाली 3 साधारण स्टेप, खाली काटो, चिपकाओ और लगाओ, ये 3 स्टेप को लेके आप लोगों ने सीख ही लिया होगा कि ट्रेन ट्रैक को बनाते कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ट्रैक कितना स्मूथली चल रहा है। तो देख लीजिए कितना आराम से स्मूथली चल रहा है, मालगाड़ी को नहीं देखना है, ट्रैक को देखना है। तो ट्रैक का जो मटेरियल है वो काफ़ी स्मूथ है, इसी कारण से ट्रेन इसके ऊपर काफ़ी स्मूथली चल रहा है और ये ट्रैक ड्यूरेबल भी है, यानी कि लंबे समय तक टिकेगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से मार दीजिए, क्योंकि 1 person equals to 1 vote, खाली एक आदमी को एक ही तो लाइक मारना है। और शेयर करने का मन किया तो ज़रूर से शेयर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर से शेयर कीजिए। तो अंत का काम काफ़ी शुभ रहता है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये चैनल की पटरी आप लोगों को मिनिएचर आर्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सॉरी, लास्ट में एक और काम रह गया था, अगर आप चाहे तो मुझे किलोग्राम इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए आप लोग एग्जिट हो सकते हैं।